शर्जील इमाम, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनमें एक यह सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या शर्जील इमाम शाहीन बाग से निकलकर दिल्ली की चुनावी शतरंज का मोहरा तो नहीं बन गए हैं। इमाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली में केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केजरीवाल जी, आप शर्जील इमाम के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में हैं या नहीं, इसे दिल्ली के लोगों के लिए स्पष्ट करें। दिल्ली चुनाव के बीच शाह का यह बयान केजरीवाल को घेरने वाला था, इसलिए केजरीवाल ने भी बिना किसी देरी के कहा, शर्जील ने असम को देश से अलग करने की बात कही, यह बहुत गंभीर है। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपका यह कथन बुरी राजनीति है, उसे तुरंत गिरफ्तार करना आपका कर्तव्य है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी लाचारी क्या है या आपको और गंदी राजनीति करनी है? इसके दो दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली का चुनावी दंगल, जो कि शुरुआत में विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा था, अब पूरी तरह से शाहीन बाग और शर्जील इमाम पर आकर टिक गया है। भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत पहले शाहीन बाग और अब शर्जील इमाम को दिल्ली दंगल में उतार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर भारत को तोड़ने की चाह रखने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि आप सरकार ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अन्य पर राजद्रोह का मामला चलाने की अनुमति पुलिस को नहीं देने की बात कही। टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ मामला चलाने के लिए केजरीवाल ने पुलिस को अनुमति नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी जनसभाओं में इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध दिया। केजरीवाल, जो कि पहले दिल्ली के विकास मॉडल को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। पहले उन्होंने शाहीन बाग पर बयान दिया कि वहां चल रहे प्रदर्शन से लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। इसके बाद शाहीन बाग के प्रदर्शन में शर्जील इमाम का मुद्दा छा गया। आरोप लगाया कि शर्जील इमाम ने असम का नाम लेकर देश को विभाजित करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने जैसे ही इमाम को गिरफ्तार किया तो भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल को घेरे लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने इमाम को गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी, वो भाजपा ने पूरी कर दी है। मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस को बताया और उसने इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अब केजरीवाल को दिल्ली की जनता के सामने आकर यह बताना होगा कि वे किसके साथ हैं। क्या वे केजरीवाल जी शर्जील इमाम के खिलाफ कार्रवाई